डीकेटी स्टेट पीसीएस। अगर आप केवल स्टेट पीसीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए डीकेटी स्टेट पीसीएस। यहां आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम निधि उर्सरिया, वाइफ ऑफ सनी वधवा है। मेरा आरएएस 2021 में 9th रैंक पर चयन हुआ है। मैंने इससे पहले भी आरएएस 2018 का दिया था, जिसे मेरी 1172 रैंक थी। और इसके साथ साथ वर्तमान में मैं स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार की असफलता से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अपने कार्य को करना चाहिए जिससे हमें सफलता मिले। मैं अपनी बात करूं तो मैंने आरएएस 2018 में काफ़ी गलतियां करी थी। मैंने उन पर काम किया और उन गलतियों पर काम करने का ये रिजल्ट है कि आज मेरा 9वीं रैंक पर सिलेक्शन हुआ है। आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनका आरएएस 2021 में लो रैंक पर सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हो पाया उनका और वो वापस तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने जो कमियाँ रह गई हैं उनके ऊपर काम करें। मैं मेरी कमियों की बात करूं तो मैंने आरएएस 2018 में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस कर लिया था और मैंने यूट्यूब चैनल से जगह जगह से इतना ज़्यादा करंट अफेयर इकट्ठा किया जिसका कोई मतलब नहीं था। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स में आप इकोनॉमिक रिव्यू वो पढ़िए और इकोनॉमिक से संबंधित जितनी भी योजनाएँ सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है या फिर जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं आप केवल वो ही कीजिए। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जैसे भारत के अमेरिका के साथ, भारत की चाइना के साथ जो संबंध है, उसको करंट सिनेरियो में पढ़िए, क्योंकि जो भी करंट पूछा जाता है वो या तो आईआर से संबंधित पूछा जाता है या फिर इकोनॉमिक्स से संबंधित पूछा जाता है। तो आप उनको ध्यान में रख कर अपना करंट अफेयर को पूरा कीजिए। जैसे आरएएस 2021 के अंदर भारत और अमेरिका के संबंध, चाइना के संबंधों को लेकर काफ़ी पूछा गया था, जो डायरेक्ट विजन आईएएस से था। तो आपको आईआर जितना भी करना है आप विजन आईएएस से ही कवर कीजिए अपना, ताकि आपका आईआर बहुत अच्छा कवर हो जाए। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स मैंने बता ही दिया, इकोनॉमिक रिव्यू राजस्थान का भी पढ़ना है और इंडिया का भी पढ़ना है, और इसके साथ बजट करना है और सरकार के द्वारा लॉन्च की जाने वाली योजनाएं पढ़नी है। और इसके साथ केवल आधा या एक दिन आप जितनी भी क्रोनोलॉजी है 5 या 6 महीने की, 7-8 महीने की, वो आप कवर कर लीजिए 1 महीने के अंदर ऊपर ऊपर से। उसको डीप में मत पढ़िए, क्योंकि जितना डीप में पढ़ोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो करंट अफेयर में मैंने आपको बता दिया कि आपको विजन आईएएस करना है, इकोनॉमिक रिव्यू करना है, बजट करना है, सरकार के द्वारा लॉन्च की जाने वाली योजनाएं करनी है, और एक दिन में आपको जितनी भी क्रोनोलॉजी है वो कवर अप करनी है, जिससे आपका करंट कंप्लीट हो जाएगा। करंट को आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना। इसके साथ साथ मैंने रिटर्न प्रैक्टिस कम करी थी आरएएस 2018 में, तो उसकी वजह से जब एग्जाम्स हुआ था मेन हॉल के अंदर, जब मैं लिख रही थी तो मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाई जितना और कैंडिडेट्स ने लिखा था। तो इस बार मैंने रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी थी। इस बार मैंने डेली एक पेपर लिखा था और उसको मैंने ऐसे लोगों से चेक करवाया जो फाइनली पिछली बार सिलेक्टेड थे और जिनको अच्छा नॉलेज था, जिससे वाकई में उन्होंने मेरी कमियों पर एनालिसिस किया और मुझे बताया कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और किस तरीके से मुझे लिखना चाहिए। मैं खुद की कॉपी खुद भी चेक करती थी, क्योंकि जनरली अपन देखते हैं कि अपन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर किसी भी टेस्ट पेपर को लिखते हैं और उसके बाद 7 या 8 दिन बाद वो कॉपी आती है और अपन उसको पढ़ते ही नहीं है और ना ही अपने को नंबर से मतलब रहता। तो इसीलिए मैंने इस बार डेली पेपर लिखा, उसको खुद भी पढ़ती थी वापस, और जो मेरे सिलेक्टेड बंदे जो मेरे पास आस पास थे मैं उनसे चेक करवाती थी, जिससे मुझे पता चला कि मेरी गलतियाँ क्या और मुझे कहाँ पर निकाल लाना है और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। दूसरी गलती ये थी मेरी। और तीसरा ये था कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर है, उसके ना मैंने किसी प्रकार के कोर्स नहीं डाले, कोई भी एग्जांपल सेट नहीं किया, किसी भी दार्शनिक की बात उसके ना नहीं कही। तो मैंने पिछले जो गत वर्ष के टॉपर्स थे उनकी कॉपियां देखी पहले, मैंने सबसे पहले उनकी कॉपीज को जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मैंने आंसर्स के अंदर ये ब्लंडर्स किए हुए हैं कि मैंने उसके अंदर किसी भी तरीके के कोर्स नहीं डाले, एग्जाम्पल नहीं डाले। तो इस बार मैंने अपनी तैयारी को उसी तरीके से करा कि जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि मानव के निर्माण में परिवार की भूमिका क्या होती है, तो मैंने जैसे माता के हैं, पिता के हैं, दादा दादी की भूमिका होती है और साथ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, उस तरीके से ब्लॉक में किया। माता के अंदर मैंने एग्जाम्पल डाला कि जैसे
गांधी जी ने अपनी पूरी गीता माता से सीखी थी। पिता में मैंने जो दंगल का एग्जाम्पल था वो डाला कि गीता और बबीता फोगाट जो सिस्टर्स है उन्होंने अपने पिता से अनुशासन को सीखा। तो इस तरीके से मैंने जो एग्जाम्पल्स थे वो सेट करे। मुझे ये पता था कि इस बार जितने भी क्वेश्चंस है उसके अंदर मुझे एग्जाम्पल लिखने हैं और उसके अंदर मुझे कोई किसी भी दार्शनिक के कोर्स डालने हैं, तो उससे क्या है इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। इसके साथ साथ मैंने फॉर्मेटिंग तैयार कर रखी थी 4-5 कि जैसे टेबल फॉर्मेट में लिखना है, एरो डायग्राम में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, बुलेट में लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो वो 4-5 फॉर्मेट तैयार थे तो उसको मैंने जस्ट इम्प्लीमेंट किया था उसके अंदर। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि आपके मेंस के एग्जाम नजदीक है तो आप अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से कीजिए कि आपने लिखा पढ़ा हुआ पूरा है और लिखने की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए और उसके अंदर आप अपने 4-5 फॉर्मेट तैयार कीजिए, आप एग्जाम्पल्स लिखिए, कोई कोर्स उसको डालिए जिससे आपका जो लिखने का तरीका है वो बेहतरीन होगा और उसके मार्क्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। और मैं अपनी सोर्सेस की बात करूं तो सोर्सेस के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में 9th और 10th की जो बुक आती है वो फॉलो करी थी मैंने, राजस्थान कला और संस्कृति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। और इसके साथ साथ किसी कोचिंग के नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो एक बेस के तौर पर, जिसे क्योंकि अपन देखते हैं 9th और 10th की जो बुक्स है उसके अंदर मैटर थोड़ा कम रहता है, ऑथेंटिक तो रहता है लेकिन थोड़ा कम रहता है। तो उसके साथ साथ आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स और 9th और 10th की बुक्स उसको समाप्त कर लीजिए जिससे आपका एक पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा। राजस्थान इकोनॉमिक्स आपको पूरा इकोनॉमिक रिव्यू से करना है और बजट पढ़ना है साथ में, और इसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में भारत का इकोनॉमिक रिव्यू और बजट पढ़ना है, और उसके साथ साथ सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक स्तर पर योजनाएं लॉन्च की जा रही है वो आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। आप आरएस 2021 का भी पेपर देखोगे तो उसे पूरा पेपर इकोनॉमिक रिव्यू से, बजट से, इन्हीं से बनाया हुआ है। तो आप इधर उधर के कंटेंट को फॉलो ना करके आप अपनी तैयारी को उन्हीं के साथ चाहिए। इसके साथ साथ समाजशास्त्र प्रबंधन इनकी मैं बात करूं तो इसके अंदर आप किसी कोचिंग के नोट्स मंगवा सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 11th 12th की बुक्स जो आती है जो सोशियोलॉजी की होती है या फिर प्रबंधन की होती है उससे आपके कंटेंट को मजबूती दे सकते हैं। और इसके साथ एथिक्स है, सेकंड पेपर की मैं बात करूं तो एथिक्स से मैंने जो किसी कोचिंग के नोट्स ही प्रीफर किए थे और इसके साथ साथ रिटर्न प्रैक्टिस करी थी। रिटर्न प्रैक्टिस आप जितनी करोगे एथिक्स में उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसके अंदर जैसे पिछली बार आरएस 2021 में नवाचार पूछे गए थे तो आप कंटेंट तो कवर कीजिए साथ में जो भी नवाचार है जो आप कर सकते हो एक प्रशासक के तौर पर वो भी जरूर तैयार कीजिए। जैसे हमसे पूछा गया था कि आप प्रशासक के तौर पर क्या क्या नवाचार करोगे या फिर किससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है, तो उसके अंदर मैंने जैसे महिलाओं के लिए लिखा था कि पिंक विंग शुरू कर सकते हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो और सुरक्षात्मक दृष्टि से भी उनको किसी भी तरीके का फील ना हो, महसूस ना हो। और सेकेंडली जैसे कॉफी विद SDM है वो एक अपन इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं जिसमें अपन आसपास के जो लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उनको सुन सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं कॉफी विद SDM के थ्रू। और एक साझी खुशियां और चरण पादुका अभियान जिसमें बच्चों को चप्पलें वितरित की गई थी, तो इसमें आप जितने इनिशिएटिव्स जितने नवाचार हैं जैसे वो इसके अंदर आप डाल सकते हो तो वो नवाचार आप जरूर तैयार कीजिए। और जितने भी मॉडल एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी आप लाइफ स्टोरी जरूर कवर कीजिए, उनके द्वारा क्या क्या नवाचार किए गए थे उनको भी आप जरूर पढ़िए ताकि आप आंसर्स को जब लिखो तब तो उसके अंदर वो कोर्स जरूर डालो आप। और यदि मैं ज्योग्राफी की बात करूं और साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर मैंने एक तो कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे, निर्माण IAS के फॉलो करे थे और उसके साथ साथ मैंने जो 12th क्लास की बुक होती है 12th, 11th और 10th की 9th 10th की NCERT और RBSE बोर्ड की किताबें हैं उनके थ्रू और नोट्स को मैंने एनरिच किया था जिससे वो पूरा कवर हुआ। और ज्योग्राफी में मैंने 11th और 12th की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें आती है उसे पूरी ज्योग्राफी कवर की थी। और इसके साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी आप फॉलो कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, जिसके कंटेंट के साथ आप रिलाई कर सकते हो और उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और लिख सकते हो। मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आपको नहीं कहूंगी, जिसको भी आप सही समझो वो आप फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ जो भी नोट्स है
वो आप सोर्सेज को सीमित रखिए। ऐसा नहीं हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मंगवा के उनको पढ़ने बैठ रहे हो। आप किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मंगवाइए और ऑथेंटिक सोर्स के साथ उनको एनरिच कीजिए। और आईआर में मैंने आपको बताया विजन आईएएस की जो बुक्स होती है उसे आईआर को कवर कीजिए, वहीं से आपका पूरा करंट सिनेरियो तैयार हो जाएगा। और जैसे पब एड है, पब एड के 11th 12th की बुक और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश की मैं आपको बोलूं तो राघव प्रकाश और 9th to 12th की जो हिंदी व्याकरण की किताबें आती है उनसे आप अपनी तैयारी को सही कीजिए। और इंग्लिश में वीके रस्तोगी की बुक, जैसे मैं हिंदी का बताऊं तो हिंदी के अंदर निबंध के अंदर मैंने 15 और 20 निबंध तैयार कर लिए थे पहले ही। तो इसी तरीके से आप 15 या 20 टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, जैसे ह्यूमन एम्पावरमेंट है, जैसे पर्यावरण है, या फिर करंट का कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे कोरोना का हो गया, अभी नहीं चल रहा पहले का था, जैसे चुनाव को लेकर हो गया, समान नागरिक संहिता को लेकर हो गया, एक देश एक चुनाव को लेकर हो गया, तो इनको लेकर आप अपने 15 या 20 टॉपिक्स है वो तैयार कर लीजिए। और उनके साथ साथ अपने कोर्स लिखिए। इसके लिए दृष्टि आईएएस की निबंध की एक बुक आती है, उसमें कोर्स काफी अच्छे लिखे हुए हैं और लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, तो वहां से आप अपने लैंग्वेज को फ्रेम कीजिए कि किस तरीके से हमें लिखना है। और साथ ही कोर्स है जैसे महिला से संबंधित 5-7 कोर्स हमने लिख लिए, पर्यावरण से संबंधित 5-7 कोर्स सीख लिए, या फिर जो भी टॉपिक्स है उसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे मीडिया से संबंधित 5-7 कोर्स है वो लिख लीजिए, एक आप रजिस्टर बना लीजिए तो वो आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरह से रिपोर्ट राइटिंग है, जैसे अधिसूचना है, 5-7 आप लिख कर रखिए, एक रजिस्टर डाल लीजिए हिंदी का जो करंट से रिलेटेड है, और या फिर जो ट्रेडिशनल टॉपिक है जिनसे पूछे ही जाते हैं, जैसे महिला है और बाल विकास है, मीडिया है, पत्रकारिता इससे संबंधित, और वो हर टॉपिक से संबंधित 5 या 7 कोर्स आप अपने रजिस्टर के अंदर लिख लीजिए। और जितनी भी अधिसूचना है या फिर निविदा है उनके फ्रेमिंग आप जरूर तैयार करके रखिए 5 या 7 हर टॉपिक के ऊपर। और इसके साथ साथ इंग्लिश के अंदर भी आप कोर्स जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि हम हिंदी में तो तैयार करते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाते, तो इंग्लिश में भी आप अपने कोर्स जरूर लिखिए कि आप अपने लेटर राइटिंग में और जो भी निबंध आता है ऐसे राइटिंग आती है उसके अंदर आप अपने कोर्स को जरूर डालिए। और ग्रामर पोर्शन है वो आप बीके रस्तोगी से ज्यादा तैयार कीजिए, जिसे ग्रामर में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपने जो गत वर्ष जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस कीजिए, और जो गत वर्ष के टॉपर्स है उनकी कॉपीज जो अवेलेबल है उनको देखिए, और अपने कॉपीज को देखिए कि आपने कहाँ कमियां छोड़ी, कहाँ गलतियां करी, उससे आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलतियां करी है और उनको के अंदर आप सुधार कीजिए। और हम देखते हैं कि यदि टॉपर्स की जो कॉपीज होती है उसके अंदर लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, आप उन गलतियों को मत देखिए और पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए कि उन्होंने किस तरीके से लिखा जिसकी वजह से उनके पास मार्क्स आए। तो आप उनको फॉलो कीजिए अच्छे तरीके से, और कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो आपके पास में, कोई टॉपर्स से आप बात कर सकते हो तो उनसे जरूर पूछिए कि हमें कहाँ कहाँ पर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अपनी कॉपीज चेक करवाइए जिससे आपको मार्क्स ज्यादा मिले। सामान्यतः एक प्रश्न जो अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बेहतर रहता है या फिर सेल्फ स्टडी, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बुरा नहीं होता। यदि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, आपको नहीं पता कि हमें कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, और आपको मटेरियल या फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को जरूर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, कौन से कंटेंट को पढ़ना है, कौन से को नहीं पढ़ना। लेकिन मैं मेरी बात करूं तो मैंने पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से करी थी। यदि आपके पास गाइडेंस पूरी है तो आप सेल्फ स्टडी आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स कहीं से भी प्रोवाइड हो सकते हैं, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मंगवा सकते हो घर पे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूट्यूब पे काफी टीचर्स पढ़ाते हैं, वहां से भी आप अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हो। बुक लिस्ट है वो मैंने आपको बताई है, ऑथेंटिक सोर्स 9th और 10th की जो बुक्स है, 11th 12th की RBSC की NCERT की, उनसे आप अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हो। तो यदि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, आपको पता है कि आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, तो आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हो। मैंने बताया कि मैंने भी सेल्फ स्टडी करी थी, तो आप अपने नोट्स को मंगवाकर घर पर उनको एनरिच कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका सिलेक्शन तय है, कोई उसे रोक नहीं सकता।
मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की बात करूं तो इसमें बहुत अधिक संयम की जरूरत होती है। ये एक लगातार चलने वाली तैयारी है। इसमें पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और उसमें समय भी काफी लगता है। तो ऐसे में हमें संयम रखने की जरूरत है। एक बार हमने संयम रखा तो उसका रिजल्ट हमें बेहतरीन मिलता है। मैंने 2018 का भी दिया था, उसमें मेरी 1172वीं रैंक थी और 2021 में मेरी 9वीं रैंक थी। मुझे 6 या 7 साल लग गए लेकिन मैंने संयम को ब्रेक डाउन नहीं होने दिया। तो मैं आपसे भी यही अपेक्षा रखती हूँ कि आप अपने संयम को, अपने धैर्य को बनाए रखें और इससे लगातार जुड़े रहिए। आप जनरली हम देखते हैं कि जब हम तैयारी करते हैं हम ये सोचते हैं कि हमें इसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमें कृष्णा की सीख है, वो हमेशा अपने साथ रखनी है कि हमें हमेशा हमारा कर्म अच्छा करना है, कि हमें इतनी मेहनत करनी है, इतना अच्छा लिखना है, इतने अपने कंटेंट को मजबूत करना है कि उसका रिजल्ट भगवान हमेशा हमें अच्छा देगा। तो इसीलिए आप इस समय जो भी मेंस लिख रहे हैं आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, उसे मजबूत कीजिए, अपने कंटेंट को एनरिच कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको रिजल्ट निस्संदेह बेहतरीन मिलेगा। मैं एक मैरिड वूमेन हूँ, मेरे एक बच्चा भी है छोटा 6 साल का, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा यही समझा कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, मेरे अंदर वो जुनून था। तो आपको भी अपने अंदर वो जुनून डेवलप करना है, विकसित करना है और उस जुनून के सहारे आप निसंदेह एक आरएएस अधिकारी जरूर बनोगे और तैयारी को आप मजबूत करिए। मेरी इस सफलता में माता पिता के आशीर्वाद ने और ईश्वर की अनुकंपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ मेरे हस्बैंड के मोटिवेशन और सहयोग की इसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका थी, क्योंकि जब आरएएस 2018 में मेरा चयन नहीं हुआ था तो मैं इमोशनली काफी ब्रेकडाउन हो गई थी। उस समय उस कंडीशन से मुझे बाहर निकालने में और वापस अपने तैयारी को मजबूत करने में मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी सपोर्ट किया इमोशनली। इनफैक्ट मुझे कहीं पर भी कोई नोट्स लेने जाना होता तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे घर बैठे हर नोट्स, हर कंटेंट, हर मटेरियल मुझे प्रोवाइड करवाया जाता था। तो इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी और मेरे माता पिता, मेरे मदर इन लोगों ने भी इसके अंदर बहुत सपोर्ट किया। इसके साथ साथ मैं अपने मेंटोर के तौर पर भाटिया आश्रम का शुक्रगुजार करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया इस चीज के लिए। जब मेरा चयन नहीं भी हुआ था उसमें भी उन्होंने मुझे यही कहा कि आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कीजिए, अपनी कमियों का एनालिसिस कीजिए जिससे आपका अंतिम रूप से चयन हो। और कभी भी अपनी हिम्मत को टूटने ना दीजिए, आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक प्लान कीजिए, अपना रूटीन तैयार कीजिए कि मुझे 5 दिन में ये सब्जेक्ट करना है, 5 दिन में ये करना है और लास्ट के 10 या 15 दिन आप अपने रिवीजन के लिए रखिए। उससे पहले आप अपना पूरा सिलेबस कवर अप कीजिए, क्योंकि विदाउट स्ट्रेटजी हम जब कोई भी चीज करते हैं तो हम कभी किसी सब्जेक्ट को उठा लेते हैं और कभी किसी सब्जेक्ट को उठा लेते हैं। तो ऐसा आप भूल कर भी मत कीजिए। आप अपना एक पेपर लीजिए, पेपर के अंदर हर डे की आपकी स्ट्रेटजी तैयार होनी चाहिए कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है। हिंदी इंग्लिश को आप डेली 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा सुबह हिंदी के ग्रामर पोर्शन के लिए और शाम का 1 घंटा आप निबंध प्रैक्टिस के लिए, और रात को जैसे मैंने 9 से 12 पेपर लिखा था तो उस तरीके से आप रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि स्ट्रेटजी के बिना हम इर्द गिर्द भटकते रहते हैं और हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। थैंक यू।